नमस्कार, आरटी भारत पर आपका स्वागत है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का जो है दिल्ली कूच का अभियान जारी है। हालांकि सरकार द्वारा चाहे वो पंजाब पुलिस हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, उनको रोकने के लिए कई प्रकार के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। यहां तक कि किसानों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर विपक्ष क्या कहता है, इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी के पास, उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। राणा जी, पहले तो आपका राठौर टाइम्स भारत पर स्वागत है। हाँ, देखिए, आज जो किसानों का एजिटेशन है, किसानों को अधिकार है अपने एजिटेशन करने का, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो कानून पास किए हैं, किसान उसको पसंद नहीं करते हैं, वो किसान विरोधी मानते हैं। और इस देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम से कोई भी आदमी, कोई भी संस्था, कोई भी लोग अपना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से कर सकते हैं। किसान भी इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे जो बौछार की गई पानी की, ठंडे पानी की, सर्दी है और सर्दी के बीच में ऐसा कार्य अमान्य माना जाता है, क्योंकि देश के अंदर जो किसानों के खिलाफ तीन अध्यादेश पास किए, ये पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध ही किया था, बहन सुषमा स्वराज ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी तो फिर इन्होंने इसका 6 साल के बाद समर्थन किया। इसलिए किसान नाराज है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट किसानों ने इसलिए दिया था क्योंकि इस बिल का विरोध किया था, इस अध्यादेश का विरोध किया था, कांग्रेस इसको लेके आई थी। इसी बात को लेके किसानों ने, मजदूरों ने, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर विश्वासघात किया किसानों के साथ, और किसानों ने ये सरकार बनाई थी और किसान इस सरकार को चलता कर देंगे। जो भी देश में जो सरकार किसानों के साथ टकराती है वो बच नहीं पाती, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, और किसान इस सरकार को चलता कर देंगे। राणा जी, जैसे आपने बताया कि भाजपा द्वारा जो है, जब सुषमा स्वराज जी मंत्री थी या जो भी थी, उस वक्त उन्होंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन अब बीजेपी ही इसको लेके आ रही है, क्या मंशा क्या है? देखिए, बहन सुषमा स्वराज जी उस समय देश की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उसकी विपक्ष की नेता थी, और कांग्रेस पार्टी का इस बिल को लेके आई थी, सुषमा स्वराज जी ने इसका विरोध किया था, उसी पे भरोसा करके किसानों ने, मजदूरों ने, दुकानदारों ने इसको वोट दिया था। लेकिन सुषमा स्वराज आज देश दुनिया में नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस बात पे सोचने के लिए अभी शायद सोच नहीं रही है। अभी हमारे विपक्ष की लीडर थी जब सुषमा स्वराज जी, उसने इसका विरोध किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका विरोध ही करना चाहिए था, ये बिल नहीं पास करने चाहिए थे। अगर बिल पास करते तो किसानों से राय मशवरा करते और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को उसमें लेके आते, लेकिन किसानों को ये अधिकार है एजिटेशन करने का, आंदोलन करने का शांति प्रिय ढंग से, लेकिन किसानों के साथ धोखा किया भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, देखिए, ये थे पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी, इन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से एक शांतिपूर्ण तरीके से जो किसान है अपनी आवाज़ उठा रहे थे, और उन पर इस प्रकार की जो सर्दी पड़ रही है और सर्दी के बावजूद उन पर पानी की किस प्रकार से बौछारें की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये एक अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ऐसे में उन्होंने साफ कहा कि जिस प्रकार से किसानों के साथ सरकार द्वारा ये व्यवहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को आने वाले जो चुनाव हैं उनमें जरूर भुगतना पड़ेगा। राठौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें आरटी भारत के साथ। नमस्कार।